I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. तो हाँ जी आगे तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रिएटर हनी में। आपने इंट्रो देख लिया होगा, आज मैंने न्यू बनाया है। नहीं देखा, चलो एक मिनट, कोई बात नहीं, ये स्क्रीन पे देख लो एक बारी और। हाँ ये सिखाऊंगा आज मैं आपको, तो वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा समय लूँगा नहीं। पूरे स्टेप्स देखना कहाँ से ये टेम्पलेट्स मिलेंगे और कैसे इसको डाउनलोड करके अपने चैनल का इंट्रो बनाना है, तो वो सारा आप देखना। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल और साथ में लगा हुआ बेल आइकन दबा देना। मैं ऐसे बेसिक काइन मास्टर ट्यूटोरियल बनाता रहता हूँ जो आपके काफ़ी वो आएंगे, हेल्पफुल है। तो चलते हैं आज फिर। सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र खोल के गूगल पे सर्च करना है PANZOID, ये कर लेना है। सबसे पहला ये आएगा, इसका लिंक खुल जाएगा। ये जैसे ही खोलोगे क्लिप में कर पे क्लिक करना है तो एक सैम्पल खुल जाएगा। उसके नीचे सारी आपको दिख जाएंगे कि कौन सा आपको अपना इंट्रो रखना है। आप कोई सा भी इसमें से जो आपको पसंद आए उसको आप ले करके देख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ अपने चैनल का, नीचे स्क्रॉल करते रहना। ये वाला है प्रोफेशनल सिंपल 2D इंट्रो टेम्पलेट रीमेक 2020। इसको क्लिक करेंगे, ये जैसे ही खुलेगा उसकी प्रोफाइल खुल जाएगी। ओपन करेंगे, आपको इसमें से कोई भी सेटिंग छेड़नी नहीं है, वो आई पे क्लिक करना है और ये आपको ऐसे दिखा देगा कि ये इसका टेम्पलेट था, ये सैम्पल है। अभी इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, ये आपको प्ले करके चला के दिखा सकते हैं। आई पे क्लिक करोगे, आपको कहीं नहीं जाना। ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो बॉक्स सा बना हुआ है इसको क्लिक करना है। इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है टेक्स्ट में, ग्रुप टेक्स्ट। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसमें दो टेक्स्ट है तो पहले एक फर्स्ट वाले टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाले टेक्स्ट पे क्लिक करके अपने चैनल का नाम लिख देना है पूरा, ये लिख दिया मैंने। अब इसको हम प्ले करके देखेंगे कि ये कैसा चल रहा है। ये साथ के साथ जनरेट कर देता है, ये कर दिया। नीचे जो छोटी लाइन में था वो स्लोगन है, तो इसमें हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देना। मैं लिख देता हूँ youtube.com/ मेरे चैनल का नाम, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। कर दिया, इसको भी हम प्ले करके देखेंगे कि ये कैसा दिख रहा है। आई पे क्लिक करेंगे तो पूरा बेसिक दिखेगा। ये हो गया, उसके बाद आई को हटाएंगे, हमें और कुछ नहीं करना है। इसमें सारी सेटिंग अपने आप वहीं पे रहेंगी, बस हमने टेक्स्ट का चेंज करना है सेटिंग। अब हमने जाना है साइड में, जाएँ बॉक्स वाला है स्टार पे जाके, उससे नीचे ये डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड में फास्ट रेंडर पे मोड रखना है और फॉर्मेट रखना है हमें MKV VP8। तो ये HD में हो जाएगी, ये ऐसे डाउनलोड हो जाएगा पूरा फाइल, लेकिन ये MKV में होगा। तो कोई भी एक प्ले स्टोर से वीडियो कन्वर्टर ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसमें InShot एप्लीकेशन ली है, इसमें हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, देख लो ये पूरी है। इसको हमने फिर सेव कर देना है, तो 1080p में इसको सेव करना, HD में ये इजीली सेव हो जाएगी। फिर चलते हैं, हम KineMaster खोलते हैं, नेक्स्ट बताते हैं क्या करना है। KineMaster खोल लेना है, प्लस पे क्लिक करना है हमें। स्क्रीन लेनी है 16:9, यहाँ से हमें बैकग्राउंड लेनी है पहले ब्लैक कलर की। ये बैकग्राउंड ले लेंगे, इसको हमने स्ट्रेच करना है जितने सेकंड की वो थी। अब मीडिया फाइल पे जाके ये InShot में हमारी फाइल डाउनलोड होगी, इसको स्प्लिट स्क्रीन पे फुल स्क्रीन कर देना है उसी के साथ। फिर ये प्ले करके देखना है जहाँ से ये शुरू हो रही है, मतलब ये 5 सेकंड से शुरू हो रही है, तो इतना हिस्सा हम कैंची से ये लेफ़्ट करके इसको काट देंगे। ये जैसे ही काट देंगे फिर इसको थोड़ा सा आगे ले आना है, तो ये ऐसे खुलेगा। अभी नीचे साइड में देखो इसका वो भी आ रहा है कुछ लिखा हुआ, ये भी मिटा देंगे हम। अभी देख लो ये यहाँ पे जाके इधर ये ख़त्म हो रहा है। हमने फिर यहाँ से ही सीज़र पे क्लिक करके
ट्रिम टू राइट वाला भी काट देना और ये वाली वीडियो भी पूरी इतने तक काट देनी है, हमें बस इतना 8 सेकंड का ही चाहिए। फिर हमने नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करके क्रोमा की पे क्लिक करके इसको एनेबल कर देना है, तो ये ग्रीन स्क्रीन अपने आप डिलीट हो जाएगी। 28 और 50 इसकी सेटिंग कर देनी है, ये ऐसे ग्रीन स्क्रीन डिलीट हो जाएगी और ये ब्लैक स्क्रीन के साथ मर्ज हो जाएगा। ये देखिए अब थोड़ा सा क्या चेंजेस करना है, यहाँ पे जाना है, बैकग्राउंड पे जाना है, ये ब्लैक स्क्रीन ले लेनी है, जहाँ पे नीचे उसका नाम लिखा हुआ आ रहा था वहाँ पे इसको हम हल्का सा ऐसे लग देंगे ताकि नीचे नाम लिखा हुआ कोई ना आए। ये ऐसे करेंगे, देखो अभी थोड़ा सा दिख रहा है साइड में, इसको अपने आप अपने हिसाब से सेटिंग शूटिंग कर लेना आप जितनी आपको चाहिए होगी। ये हम ऐसे खींच के कर देते हैं, ये कर दिया, इसको भी पूरा फिर वीडियो के साथ स्ट्रेच कर देना। अब देखो ये थोड़ा ऊपर हो गया ना, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये साइड में अभी बाहर भी दिखेगा, तो इसको भी नीचे ब्लैक जो बैकग्राउंड लिया हमने इसको भी पूरा स्ट्रेच कर देंगे। ये ज़्यादा ऊपर हो गया, नीचे करके ये कर दिया नीचे, और इधर भी ये जागता हुआ दिख रहा है तो इसको भी स्ट्रेच करके पूरा कर देंगे। तो मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ कैसे चलेगा ये, पहले साइड में म्यूज़िक लगा देते हैं, म्यूज़िक पे क्लिक करके कोई सा भी आपको कर इंट्रो के लिए म्यूज़िक लगाना है वहाँ से आप ऐड करके इसको म्यूज़िक साथ में लगा दो। तो प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखो ये बन गया। ये ट्यूटोरियल था, इसको आप अपने हिसाब से किसी भी क्वालिटी में इसको डाउनलोड कर लो वीडियो को, और अपने जो आपका यूट्यूब चैनल है उसके आगे इंट्रो लगाओ, प्रोफेशनल लगेगा आपका चैनल और लगेगा कि हाँ आपको कुछ आता है, आपका चैनल हमें ज़रूर देखना चाहिए। ये था मेरा फाइनल, आप भी ऐसा स्टेटस बनाइए, इंट्रो बनाइए और अपने चैनल के स्टार्टिंग में लगाइए, एंड में लगाइए, और फिर चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।